गणतंत्र दिवस के मौके पर न सिर्फ सड़कें बल्कि रेलवे स्टेशन और दिल्ली मेट्रो सेवाओं पर भी सुरक्षा को कड़ा किया गया है। दिल्ली मेट्रो ने गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए जनता को कर्तव्य पथ तक पहुंचने की सुविधा देने के लिए दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे सेवाएं शुरू करेगी और तमाम रेलवे स्टेशन पर पिकअप और ड्रॉपिंग की सुविधा भी दी जाएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर न सिर्फ सड़कें बल्कि रेलवे स्टेशन और दिल्ली मेट्रो सेवाओं पर भी सुरक्षा को कड़ा किया गया है। दिल्ली मेट्रो ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जनता को कर्तव्य पथ तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे अपनी सेवाएं शुरू करेगी। ये सुविधाएं 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी और उसके बाद नियमित समय सारणी का पालन किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए ई टिकट होंगे उन्हें वैध सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कूपन जारी किए जाएंगे। स्टेशनों पर जारी फोटो पहचान पत्र कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए केवल केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के लिए ही मान्य होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो के माध्यम से जारी सूचना में ये बताया गया है कि जो भी यात्री दिल्ली मेट्रो से यात्रा करेंगे उनके लिए दिल्ली मेट्रो की जो सुविधा है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी और 6 बजे तक जितनी भी मेट्रो सेवाएं होंगी वो तकरीबन 30 मिनट यानी कि 30 मिनट अंतराल से देरी पर चलेंगी, लेकिन 6 बजे के बाद से जो भी मेट्रो होंगी वो अपने सामान्य समय से चलाई जाएंगी। और इसके अलावा कर्तव्य पथ यानी कि आसपास के जो मेट्रो स्टेशन है जहां से गणतंत्र दिवस की परेड को गुजरना है उनमें शामिल होने वाले 2 मेट्रो स्टेशन है जिनमें उद्योग भवन और इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरेट यानी कि केंद्रीय सचिवालय, ये 2 ऐसे मेट्रो स्टेशन है जिनमें अगर आप सफर कर रहे हैं तो यहां से सिर्फ एग्जिट वही नागरिक ले पाएंगे, वही यात्री ले पाएंगे जिन्हें परेड में यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होना है, जिन्हें खुद मेट्रो स्टेशन से जो कूपन है उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी साझा की है कि गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर आम जनता के लिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या रात 8 बजे से दिनांक 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन की पार्किंग में वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन वाहनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है क्योंकि यात्रियों के उपयोग के लिए पिकअप और ड्रॉप वाहन रेलवे स्टेशनों के बाहर उपलब्ध रहेंगे। इसी के साथ यातायात निदेशिका को तैयार किया गया है जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि राजधानी के जितने भी रेलवे स्टेशन है जिसमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, यहां पर पार्किंग करना पूरी तरीके से बंद रहेगा जो कि आज की पूर्व संध्या से लागू हो जाएगी। आपको बता दूं कि अगर रेलवे स्टेशन से आप आवाजाही कर रहे हैं तो ऐसे में ये कहा गया है कि कल तकरीबन 12 बजे तक जो पार्किंग की सुविधाएं हैं इन जगह पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेंगे क्योंकि सुरक्षा पूरी तरीके से करना बेहद ज्यादा जरूरी है। हालांकि 12 बजे के बाद से जो सामान्य तौर पर पार्किंग की सुविधा होती है उसे किया जा सकता है, तो ऐसे में ये अपील की गई है कि आप गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आज से ही जो सार्वजनिक वाहन है उनका इस्तेमाल करें क्योंकि तमाम रेलवे स्टेशन से पिकअप और ड्रॉपिंग की जो सुविधाएं हैं उन्हें दिया जाएगा। बहरहाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दर्शकों से अपील की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, परेड खत्म होने के बाद दर्शक जल्दबाजी न करें, अपनी बारी आने पर ही बाहर निकलें जिससे किसी को भी असुविधा ना हो। रियर आई टोटल टीवी दिल्ली।